तो दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। आपको पता है कि अभी कुछ आधे घंटे पहले ही 69th का स्कोर कार्ड बीपीएससी ने रिलीज़ किया, और ये मेरा देखो 69th, ये मेरा स्कोर कार्ड है अभिमन्यु कुमार, और मैंने 108.33 मार्क्स इसमें पाए हैं। अगर आप देखोगे जनरल का कट ऑफ 91.67 है, तो उससे मतलब 17 नंबर के राउंड में ज़्यादा मेरा है, तो विच इज़ ठीक ठाक ज़्यादा कट ऑफ से, राइट। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि यार याद है मुझे जिस दिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ तो बहुत सारे लोग परेशान थे, क्योंकि बीपीएससी ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया था, वक्त बदल गया था, जज्बात बदल गया है बीपीएससी का अब, ठीक है। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग ट्रैप इसमें फंस गए बीपीएससी के, क्योंकि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे लोग रट के गए थे और उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। अरे मैंने खुद ही बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे यूट्यूब पे बनाया था आप लोग के लिए, याद ही होगा, बहुत ही मतलब लेंदी, अच्छा एकदम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बताया था, और उससे नहीं आया। तो बहुत सारे लोग परेशान थे, तो मैंने सोचा कि यार इस पर थोड़ा सा वीडियो बना दिया जाए, अगर आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए इसे तो बिल्कुल उसमें क्या ही दिक्कत है, इनफैक्ट अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यार मैं पहले ना कुछ थोड़ा सा ऑनेस्टली आप लोगों से बात कर लेता हूँ, और ये बोस्टिंग के लिए नहीं है, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बस मैं 7 दिन दे पाया था इस एग्ज़ाम के लिए, अभी प्रीलिम्स के लिए। और मैं अभी घर पे आया हुआ था, उसके पहले बैंगलोर में था, तो मैं सोचा संयोग ऐसा हुआ कि मैं घर पे था कुछ काम से, फिर मैंने दे दिया, क्योंकि घर वाले बोलने लगे कि दे ही दो अब आए हुए हो, तो मैंने दे दिया। अब आप बोलोगे कि यार इतना चिल मूड में कैसे, क्यों एग्ज़ाम दिए, पढ़ ही लेते क्या मतलब थोड़ा। तो देखो यार इसका दो रीज़न है, पहला तो ये कि मैं ईपीएफओ में ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ इंटरव्यू के लिए, और उसका डेट अभी आने वाला है, जब भी आए, इनफैक्ट थोड़ा लेट ही कर दिया इंटरव्यू के लिए, तो मेरे को थोड़ा चिल था, क्योंकि मैं ईपीएफओ में भी ठीक ठाक पारी वहाँ पे खेल के आया हुआ हूँ, प्रीलिम्स में ठीक नंबर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उसका इंटरव्यू, तो मेरे को लगा यार ईपीएफओ को फोकस कर देंगे, इंटरव्यू दे देंगे, चिल हो जाएगा, तो बीपीएससी के लिए मैं चिल था, ठीक है। दूसरा ये कि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था यार, अब ये तो अब उसमें तो टाइम जाता है ना। देखो मान लो मैंने बजट इकोनॉमिक सर्वे ये सब के लिए वीडियो बनाया, तुम लोग 2 घंटा 3 घंटा में देख के ख़त्म किए, मेरे को उसमें 20 घंटा 30 घंटा लगा है, तो ही तो वो बनता है 2 घंटे 3 घंटे की ऐसी वीडियो जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डील करे, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें मैं ले रहा था, जैसे दक्ष बैच में ले रहा था, रेजोनेंस बैच में, पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो भी मैं करा रहा था। तो पढ़ाने में टाइम जाता है, ठीक है, मुझे मज़ा आता है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा जो है ऐसा हम लोग का रिलेशन है रोहित भैया और मैं, तो मतलब बहुत सही लगता है, लेकिन इसमें टाइम जाता है, तो उसमें भी उसके वजह से टाइम मैं ज़्यादा नहीं दे पाया, ठीक है। तो ये दो रीज़न थे कि मैंने 7 दिन ही दे पाया, और 7 दिन में ही जो कर पाया वो कर पाया। लेकिन इन 7 दिनों में मैंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें की, और जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मतलब बिल्कुल दिल से जो है ना, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है मुझे, जिसके वजह से वो मैं दो चीज़ें यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तो ये कि जो BCW का बिहार स्पेशल का वीडियोज है, रोहित भैया वाला एकदम प्लेलिस्ट, मतलब वो तो डीन साहब हैं, मतलब उनका तो अलग लेवल का, वो बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, और उसके बाद में प्रीलिम्स के जस्ट पहले उनके वीडियोस आ रहे थे डेली बेसिस पे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स पे, वो TRE के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो वो सारे तो मतलब ऐसा समझो कि बून साबित हुआ है यार, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री सबसे तो बाहर जा ही नहीं रहा है क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे थे, मतलब वो बेसिकली मुझे उस ग्रूव में लाया कि मैं थोड़ा सा फिर कॉन्फिडेंट होकर चलो यार अब दे देते हैं एग्जाम, ठीक है। तो ये मैं देखा लास्ट के 7 दिनों में। और दूसरा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने किया, वो तर्कस का जो PYQ किताब है BCW का, वो मैंने सॉल्व किया। अब यार देखो इसमें कुछ जो है ना, मैं प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग को जो अगर लगता है कि अच्छा है तो लो, नहीं लगता है कोई और बुक फॉलो करो, प्लीज़ यू आर टोटली फ्री टू डू दैट, बट मैं अपना बता रहा हूँ यहाँ पे कि तर्कस का जो PYQ का किताब है, इसमें देखो हम लोग सब कोई मिल के ही इसको इसका आंसर वंसर सब चीज़ बनाए थे, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया। लास्ट के 7 दिनों में जैसे ही मेरे को कभी कभी टाइम मिलता था, मैं पलट लेता था जो जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हमें लगते थे, जैसे मान लो कि बायो में वो पूछ लेता है ज़्यादा हार्मोन्स हार्मोन्स का पूछ लेता है, डिजीज उजीज़ का पूछ लेता है ना, कि कौन सा विटामिन विटामिन ये सब पूछ लेता है, तो ये सब मैं ना वहाँ पे जा जा के बार बार उसको मैं रिवाइज़ कर रहा था, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सबको मैं देख रहा था, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये सब मैं तर्कस से कर रहा था, ये दो चीज़ें मैं किया। इसके अलावा मतलब देखो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा चीज़ें मैटर नहीं करती, इसके अलावा चीज़ें मैटर करती है, बट मैंने जो लास्ट 7 दिन में वो दो चीज़ की, उसके अलावा क्या मैटर करती है, जैसे मान लो एटीट्यूड, भाई एटीट्यूड, आप किस एटीट्यूड के साथ जा रहे हो इस एग्ज़ाम में, ठीक है, डर के जा रहे हो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया टाइप जा रहे हो कि यार कुछ भी हो जाए एकदम तोड़ के आ जाएंगे, या फिर आप कितना एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस, वो भी मैटर करता है, कि आप बहुत ही कंजर्वेटिव खेल के, जैसे इंडिया खेला वर्ल्ड कप में बहुत ही कंजर्वेटिवली खेला, चौका लग ही नहीं रहा था, 60 बॉल 70 बॉल बीत जा रहा था, तो कंजर्वेटिव खेलोगे तो 240 रन मार के और हार जाओगे,
तो कितना अटेम्प्ट करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है। और इसके अलावे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट में बता देना यार कुछ चीज़ों पे अगर वीडियो बनानी है, स्ट्रैटेजी ये सब पे, लेकिन ये सब चीज़ें मैटर करती है। और दो चीज़ें वो जो मैंने किया, जो मैंने आपको बता दिया, और बाकी तो मतलब ठीक है यार, मतलब दिन दिन होता है, कोई दिन अच्छा आपका हो जाता है तो अच्छा हो जाता है ना। तो यही कुछ चीज़ें थी। अगर आप लोग को कुछ कमेंट में जो भी आप लोग को लगता है, जो भी आपको कुछ बनवाना है वीडियो वीडियो, तो बता देना, बना देंगे। ठीक है दोस्त, बाकी तो आगे अभी चलता रहेगा सिलसिला। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।